हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। गाइस, हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके लोग के लिए लेकर आई थी फ्री इलस्ट्रेशन एंड स्विंग कोर्स। तो गाइस, स्टिचिंग कोर्स फ्री है जो कि हम हाथ से सीख रहे हैं, हैंड यूज़ करके, और बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंट टाइप की फ्रिल्स एंड रफल्स। गाइस, आज का जो दौर है वो फ्रिल्स एंड रफल्स का है। कुर्ती में, सूट्स में, साड़ी में, सब जगह रफल्स एंड फ्रिल्स का यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, कुछ मैं ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये ड्रेसेस जो हैं रफल्स एंड फ्रिल्स से बनी हुई हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं गाइस। तो इनको जब भी हम अपना ड्रेस के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो फ्रिल्स के कुछ रूल्स हैं, उनको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्रेस में, कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इलस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, उनको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कटिंग का तरीका क्या है, उनको स्टिच करने का क्या तरीका है, वो सारा मैं थोड़ा सा इस पॉइंट्स को फोकस करूँगी। एक दो फ्रिल्स एंड रफल्स के बारे में आपको बताऊँगी। आजकल बहुत ट्रेंडी है ये रफल्स एंड फ्रिल्स, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती हैं ड्रेस को। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं वेस्ट, और अपना सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग पार्ट है, जो इलस्ट्रेशन पार्ट है, उसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ गाइस, एंड बाकी सारा जो वर्क रहेगा वो हैंड के थ्रू मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इस तरीके से, ऑलमोस्टली 1 सेंटीमीटर, और इस लाइन को दोबारा से फ्रिल को जब ड्रॉ करते हैं, जब शो करते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो इस तरीके से हम सीरियस है के? अब इसमें ही हमें अपना जो है फ्रिल्स को, जो रफल्स एंड फ्रिल्स सारा यहाँ शो कर देना है। तो किस तरीके से होगा, यू कैन सी दिस। आप बहुत ही अच्छे से आपको ये आ जाएंगी। बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बता दे रही हूँ, जो आपके लिए बहुत इजी रहे और आप ड्रॉ करना सीख जाएं गाइस। कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत ही इजी तरीका होता है ये। इसको इस तरीके से यहाँ आप चाहें तो इस तरीके से ये छोटा भी दिखा सकते हैं। तो मैं एक बार और इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से नज़र आ जाएगा इस। तो ये हमारा जो है ये इसको कहेंगे फ्रिल्स। यहाँ ये इसमें ये गैदर्स होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से ये शो होती है गाइस। तो ये हमारा फ्रिल पार्ट है, जो इसको आप जैसे आप यहाँ ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा फ्रिल, इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिल। अब ये हमने जो कटिंग किया है, और जब ये हमारा कुछ इस तरीके से, और एक डिफरेंट टाइप की और फ्रिल मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, दिस इज़ टाइप ए एंड दिस इज़ टाइप बी। व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन ए एंड डिफरेंट बी, दैट इज़ द ओके। ये इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से आपको, तो ये इस तरीके से ये फ्रिल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी जाती हैं। अब ये स्टिचिंग से पहले कुछ इस तरीके से दिखती है, जब हमने स्टिचिंग की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द हाउ टू स्टिच रफल्स और फ्रिल्स, तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से नज़र आता है। तो अब फ्रिल में, अगर आप, बहुत सारी फ्रिल्स होती हैं जो रफल्स होते हैं, वो गैदर्स करके जो लगाई जाती हैं लाइक दिस, दैट इज़ अ, मैंने आपको गैदर्स बताए थे गाइस। देखिए कुछ इस तरीके से ये गैदरिंग अगर हम कर रहे हैं, सी दिस, ये गैदरिंग, गैदरिंग में भी आप ये सी, ये कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, तो ये गैदर फ्रिल्स इसको बोला जाता है। ये ड्रॉ कर रहे हैं हम, और आपके अब समझ में आ जाएगा। बहुत सारी ये जिनमें चुन्नटें आप कह सकते हैं, ये इकट्ठा, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका जो है ये गैदर फ्रिल यहाँ पे कहलाता है। और इसको किस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे जो
जब फ्रिल को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं लाइक दिस, ये दो तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझने में ये इजी रहेगा। दिस इज़ अ ब्रोकन लाइन, ये हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सी एंड ये ब्रोकन लाइंस के थ्रू हमने इसको यहाँ शो कर दिया है। ये हमारी बिफोर स्टिचिंग या स्विंग करने से पहले हम इसको इस तरीके से कुछ कुछ ये नज़र आता है गाइस, तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिखता है, इसी तरीके से ड्रॉ होती है फ्रिल्स की। अब एक मैं और आपको बताना चाहूँगी गाइस, जो फ्रिल होती है कुछ ये दूसरी, एक डबल फ्रिल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डबल फ्रिल चल रही है। इसका जो फॉल होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ये एक टॉप में यूज़ कर सकते हैं और शर्ट्स में भी बहुत यूज़ हो रहा है, इवन स्लीव्स में गाइस। सी दिस, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ये डबल फ्रिल, ये ड्रॉ करने का इसका जो है तरीका है। और इसमें अगर हमें ये देखिए फ्रिल्स हम इस तरीके से ही लेंगे, ये बीच में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें छोटा बड़ा इस तरीके से, ये हमारी यहाँ पे लाइक फेदर इस तरीके से, ये दिस इज कॉल्ड गैदर्स, ओके, ये हमारा डबल फ्रिल है, डबल फ्रिल, ठीक है गाइस। और ये बहुत ही, एक और होता है सर्कुलर फ्रिल, इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से होती है, जो सर्कुलर फ्रिल होता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल गाइस, आप देखिए इसका भी, ये मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये इस तरीके से फुल सर्कल इसको बोलते हैं फ्रिल रियर रफल। अब इसको मैं आपको दिखा दूँ ये फ्रिल किस तरीके से बनती है फैब्रिक में करके, ये मेरा फैब्रिक है गाइस, इसको मैं यहाँ लेने वाली हूँ और ये हमारा कॉटन फैब्रिक है और मैं यहाँ से इसको फ्रिल बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं सिज़र्स से कट करूँगी एंड देन फिर इसको टॉर कर लूँगी, देन दैट इज़ कॉटन सो आई कैन टॉर इट, ओके। ये देखिए ये हमने इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, आयरन करने के बाद में बहुत अच्छे से लाइक दिस, ठीक है। अब ये फ्रिल किस तरीके से बनती हैं देखिए, ये फ्रिल्स आप चाहें तो पहले प्रिपरेशन करने के लिए कलरफुल फ्रिल्स बना के रख सकती हैं, दुपट्टों में भी लगा सकती हैं, मैं छोटी छोटी सी आपको दिखा देती हूँ बना करके। तीन तरीके से मुझे फ्रिल को ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं आपको ये देखिए डबल फ्रिल का दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है गाइस इस फैब्रिक के मिड में, देख लीजिए कितने चौड़ी है ये इसकी, 1 2 इसका मिड हमने किया गाइस, कि ये आप पर डिपेंड है, आपको कितनी भी इसकी चौड़ाई लंबाई आप कितना भी ले सकते हैं। एंड सी दिस, आप इसको बहुत अच्छे से इस जो डेकोरेटिव स्टिच्स होती हैं उनसे के थ्रू भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं गाइस। ये देखिए मैं आपको ये डबल फ्रिल ही बनाना बताऊंगी, ये इस तरीके से इसमें स्टिच करते जाएंगे, छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा सामान रनिंग स्टिच, एकदम जो एक इवन रहता है, इवन रनिंग स्टिच और रनिंग स्टिच दोनों तरीके से होते हैं, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से एक सिमेट्री होनी चाहिए जब हम इसमें, ये देखिए मैं डिफरेंट कलर के थ्रेड से बना के दिखा रही हूँ आपको, आप जिसको
मशीन पर कमांड है, वो ये मशीन से भी लंबा टाका करके मशीन का, और इसको पुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको खींच करके बनाया जाता है ये, जैसे ये हमने हैंड से किया ऐसे आप मशीन के थ्रू इसको फ्रिल को रफल्स को बना सकती हैं गाइस। देखिए अब इसके इसको आप इस पे आप एक बार प्रेस कर देंगी तो ये पूरा आपका इस तरीके से जम जाएगा। ये मिड में लेते हैं, देखिए मैं इसको लॉक कर देती हूँ, जितना आपको लंबा दिखाना है चौड़ा लंबा इसको उसके हिसाब से धागा लीजिएगा। सी तो ये इस तरीके से डबल फ्रिल हमारी इस तरीके से दिखेगी गाइस, ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। इसको आप बराबर कर लीजिएगा और मैंने आपको गैदर्स बता ही दिया था। और जो हमारी जो फ्रिल है मैं एक और आपको बता दूं किस तरीके से जाएंगी। ओके गाइस तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ रनिंग स्टिच किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको दोनों तरफ से मिड में इसे जितना हमें लंबी चाहिए, जैसे इसको बोलते हैं फ्रिल्स जो मैंने आपको बताई थी, ये सिंपल फ्रिल्स इस तरीके से गैदर्स इसमें करते जाएंगे। तो ये हमारी ये फ्रिल इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारी डबल फ्रिल और ये हमारी सिंगल फ्रिल।